हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकसित भारत एट द रेट 2047 सेल्फी कंपेन। एज यू नो दैट विकसित भारत 2047 इज़ द विजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक इंडिया ए डेवलप्ड नेशन बाय 2047, द 100th ईयर ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। इन ऑर्डर टू जॉइन दिस नेशन वाइड मूवमेंट एंड टू कंट्रीब्यूट टू द विजन ऑफ ए डेवलप्ड भारत, the government college for women ma road srinagar has launched a series of mandatory activities for its students as well as the faculty. To achieve this vision, the students are first required to share their ideas on the vision of viksit bharat on mygov.in. the students are also required to upload a selfie with the viksit bharat banner as designed by the college on different social media platforms like Facebook and Instagram with hashtag ideas for Viksit Bharat. Now I will show you the step-by-step process of how to edit the Viksit Bharat banner as designed by the college and how to insert your own image in the banner and upload the same on Facebook or Instagram. So sabse pehle hum kya karenge, hum Google Play Store kholenge. Google Play Store pe hum Canva app, एक टूल है कैनवा, इसको हम यहाँ पे सर्च करेंगे। कैनवा, यहाँ देख रहे हैं आप कैनवा फोटो एंड वीडियो एडिटर, इसको आप सबसे पहले डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। मैंने इसको पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है, इससे मैं इसको डायरेक्टली ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक प्लस का आइकन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आ रही है, तो इनको हम छोड़ेंगे, हम सीधे जाएंगे नीचे जहाँ लिखा है स्टार्ट क्रिएटिंग फ्रॉम योर मीडिया। यहाँ से आपको पहले अपने मोबाइल में जो विकसित भारत बैनर जो हमारे कॉलेज ने डिज़ाइन किया है, उसको अपने मोबाइल पे आपके पास होना चाहिए, वो अपनी गैलरी में, उसको हम यहाँ सर्च करेंगे गैलरी में और सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये बैनर है, ये कॉलेज ने डिज़ाइन किया हुआ है, इसको हम करेंगे यहाँ पे आ रहा नीचे यूज़ इन ए न्यू डिज़ाइन, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो बीच में आ रहा है ये रेक्टेंगुलर स्पेस, यहाँ पे हमें अपनी इमेज इंसर्ट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, हम दोबारा प्लस आइकन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आप अपनी इमेज सेलेक्ट करोगे। मैं यहाँ एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे जो आइंस्टाइन की इमेज है, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखो आप यहाँ पे आराम से इसको ड्रैग कहीं भी कर सकते हैं। आपको इस जो है आप यह ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे इसको इंसर्ट करना है, एडजस्ट करना है, और मैं इसको ऐसे एडजस्ट कर रहा हूँ। एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी इमेज, सेव इमेज एज प्रिपेयरिंग योर डिज़ाइन। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस तरह से आपकी इमेज तैयार हो गई, मैं इसको अपने व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ फिलहाल। तो ये जो इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो गई, ये बन गई इमेज, वैसे आप अपना यहाँ पे इमेज डालोगे और आपका बैनर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये इमेज अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट पे वहाँ पे इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप लोग एक काम करोगे कि आप एक गूगल फॉर्म भरोगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कितने लोगों ने अपलोड की है सेल्फी, एक रिकॉर्ड रखने के लिए। ये वो गूगल फॉर्म ये है, इसको आप क्लिक करोगे गूगल फॉर्म को। गूगल फॉर्म में लिखा है विकसित भारत सेल्फी कंपेन, दिस फॉर्म इज़ क्रिएटेड टू जनरेट द डाटा अबाउट द स्टूडेंट्स हु हैव सक्सेसफुली अपलोडेड विकसित भारत सेल्फी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी दोगे, अपना नाम, सेमेस्टर, क्लास रोल नंबर, व्हाट्सएप नंबर,
link of Facebook oblique Instagram where the selfie is uploaded. उसके बाद आप अपने जो अपलोड करोगे, जो सेल्फी आप अपलोड करोगे उसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे अपलोड करोगे, तो इस तरह से आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. थैंक यू.